दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप सिर्फ और सिर्फ एक वीडियोस की मदद से 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम है उसको पूरा कर सकती है। और दोस्तों ये क्राइटेरिया पूरा करना अब बिल्कुल आसान है 2024 के अंदर। दोस्तों इसी चैनल के मैं आपको 3-4 वीडियो दिखाऊंगा जो कि वायरल वीडियोज है। मैंने इन्हीं वीडियोस की मदद से कैसे अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा किया और इन्हीं वीडियोस की मदद से मैंने इस चैनल को मोनेटाइज किया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा हमारे चैनल पर एड्स नहीं आएंगे। यदि फर्जी वाले एड्स आते हैं तो उससे हमें कोई भी फायदा नहीं होता है। मतलब हमारे चैनल पर ओरिजिनल एड्स तभी आते हैं जब हमारे चैनल मोनेटाइज्ड होता है। तो सबसे पहले तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने चैनल पर एक सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। साथ ही काफी सारे क्रिकेट के यूट्यूबर्स मुझे लगातार वीडियोस के अंदर कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अपने चैनल पर व्यूज को बढ़ाने के लिए कितने परसेंट CTR की जरूरत है, कैसे हमें ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन करना है, कितना इंप्रेशन जाना चाहिए, ऐसे तमाम अंदर की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूं अपने चैनल पर, ठीक है। और चैनल पर ले जाने के बाद मैं आपको वायरल 4 वीडियोस दिखाऊंगा और इन्हीं की मैं आपको पावर दिखाऊंगा कैसे आपको वायरल अपने चैनल पर वीडियो करने हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा YouTube चैनल, हम अपने YT स्टूडियो के अंदर पहुंच चुके हैं। अब मैं अपना यहां पर कोई भी वायरल वीडियोस ले लेता हूं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो को देखिए, आप फर्स्ट वीडियो को, ठीक है। इसको मैंने कुछ महीनों पहले अपने इसी चैनल पर अपलोड किया था, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक इस वीडियो पर 3,04,000 व्यूज आए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसका एनालिटिक है उसको भी ओपन करके दिखा देता हूं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 3,04,000 व्यूज इस वीडियो पर आ चुके हैं। देखिए जब आपके चैनल पर लगभग 3 से लेकर 4 लाख व्यूज किसी एक वीडियो पर आ जाते हैं और यदि उस वीडियो की लेंथ 9 से लेकर 10 मिनट है तो आप सबसे पहले वॉच टाइम देखिए, यहां पे 14,000 से भी ज्यादा मुझे वॉच टाइम मिला है। यानी कि 14,000 घंटे से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक वीडियोस पर मुझे वॉच टाइम मिला है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, आपको अपने चैनल पर एड्स लाने के लिए पहले तो 1000 सब्सक्राइबर्स था लेकिन अब 500 सब्सक्राइबर्स हो चुका है। 500 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉचअवर्स की मदद से आप अपने चैनल पर आप एड्स ला सकते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। अब देखिए यदि आपने सिंगल वीडियो अपने चैनल पर अच्छे लेवल पर वायरल कर लिया जिस पर 2.5 से लेकर 3 लाख व्यूज हैं तो देखिए आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम अपने आप कंप्लीट हो जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस अकेले वीडियो ने मुझे यहाँ पे लगभग 14,500 घंटे का वॉच टाइम दिया है। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा जब 2.5 से लेकर 3 लाख व्यूज आते हैं तो सब्सक्राइबर्स कितने आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए मैं आपको सब्सक्राइबर्स दिखा देता हूं। इस अकेले वीडियोस की मदद से मेरे इस टेक धमाल यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 3000 सब्सक्राइबर्स। अब यहां पर आप बात समझ रहे हैं, यानी कि आपके चैनल पर यदि 2.5 से लेकर 3 लाख व्यूज किसी भी वीडियो पर आ जाते हैं एक वीडियो पर, तो देखिए न केवल वही वीडियो आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स 500 सब्सक्राइबर्स जितने भी आपको मोनेटाइजेशन के चाहिए वो कंप्लीट कर देता है बल्कि आपके चैनल पर वॉच टाइम भी कंप्लीट कर देता है। इसी वीडियो ने मेरे इस चैनल को मोनेटाइज किया था। इस वीडियो ने न केवल 4000 घंटे कंप्लीट किए बल्कि उस समय 1000 सब्सक्राइबर्स की जरूरत थी वो कंप्लीट कर दिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए मैं रेवेन्यू भी बता देता हूं। देखिए जब आपके चैनल पर कोई वीडियो वायरल होता है ना तो उससे पैसा आप कितना कमा सकते हैं। देखिए इस अकेले वीडियो ने इस चैनल पर मुझे लगभग $87 की अर्निंग करके दी है, समझ में आ रहा है। यानी कि लगभग 5,500 रुपए मैंने इस अकेले वीडियो की मदद से इस चैनल पर कमाए। अब आप में से काफी सारे यूट्यूबर्स जिनके अभी चैनल्स मोनेटाइज नहीं है पर चैनल बनाने के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं YouTube पर आप एक एक वीडियोस की मदद से 5,000, 10,000, 20,000 यानी कि 40,000 रुपए कमा सकते हैं। बस आपके चैनल पर व्यूज आना चाहिए, यही तो है कि यूट्यूबर की पावर। आजकल हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर क्यों आना चाहता है? क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पैसा
आपको इतना मिलता है जितना कि आपने सोचना होगा, यानी कि लिमिटलेस पैसा। यदि आपको वीडियो वायरल हो जाता है, 1 लाख 2 लाख उस पर व्यूज चले जाते हैं, तो आप एक एक वीडियोस की मदद से 5,000-5,000 रुपए भी कमा सकते हैं, 10,000-10,000 रुपए भी कमा सकते हैं। मैंने कमाया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं इस वीडियोस के इंप्रेशन। यदि आपको वीडियो वायरल करना है तो आपके चैनल पर इंप्रेशन आना भी बहुत जरूरी है। देखिए मैं यहाँ पे आपको इंप्रेशन दिखाता हूँ। दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं इस वीडियो पर मुझे 3 लाख व्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब ने इस वीडियोस को लगभग 3 मिलियन लोगों तक भेजा है, 2.9 मिलियन देख सकते हैं, यानी कि लगभग लगभग 3 मिलियन लोगों तक भेजा है। अब देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स दिमाग लगाते हैं कि हमारे चैनल पर व्यूज क्यों नहीं आते। दोस्तों आपके चैनल पर व्यूज इसलिए नहीं आते क्योंकि आपके चैनल को यूट्यूब ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, उस पर इंप्रेशन नहीं भेजता। अब इंप्रेशन क्या होता है? इंप्रेशन का मतलब यह होता है जब आप अपने YouTube पर YouTube एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करते हैं तो लगातार आपको वीडियो वहां पे शो होने लगती है, उसी को बोलते हैं इंप्रेशन। जितना ज्यादा YouTube आपके वीडियोस का इंप्रेशन भेजेगा उतना ही ज्यादा उस पर व्यूज आएंगे। ऑब्वियसली है, लोग जो देखना चाहते हैं वहां तक आपका वीडियो जाना भी तो जरूरी है। मेरे इस वीडियो को लगभग 3 मिलियन लोगों तक भेजा यूट्यूब ने और 3 लाख व्यूज आ गए 10% की CTR रेट से। ठीक है, मैं आपको CTR भी बता देता हूं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लगभग 9% का CTR रेट रहा है, यानी आपके चैनल पर यदि ओरिजिनल तरीके से 10-12% CTR रहता है तो आप अपने चैनल पर वीडियोस को वायरल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी बकवास झूठ बात है कि आप अपने चैनल पर 25-30% CTR रखेंगे तभी आपका वीडियो वायरल होगा। नहीं, यदि आप 10-12% 15% आप अपने चैनल पर CTR हैंडल कर लेते हैं, ऑर्गेनिक CTR जो कि बदले ही नहीं, 24-48 घंटे के बाद बदले ही नहीं, यदि उस प्रकार की CTR मेंटेन करते हैं तो आपके चैनल पर वीडियोस है वो डेफिनेट वायरल होगा, प्रूफ आपके सामने है। ठीक है, आप व्यूज देख सकते हैं 3,04,000, 9% CTR है, आप इसका इंप्रेशन भी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और वीडियोस दिखाता हूं क्योंकि आपको इन वीडियोस की मदद से ये पता चल जाएगा कि वीडियोस वायरल करने के लिए हमें कितने परसेंट CTR की जरूरत है, कितने इंप्रेशन की जरूरत है। मैं बैक कर जाता हूं और एक और वीडियो दिखाता हूं। दोस्तों आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, हालांकि ये काफी बड़ा वीडियोस है, लगभग 19 मिनट का वीडियोस है। मैं इसके एनालिटिक को आपको दिखाता हूं, इस पर वॉच टाइम व्यू सब कुछ दिखाता हूं। मैंने इसके एनालिटिक को ओपन कर लिया है। दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं इस वीडियोस पर व्यूज 1,38,000 व्यूज इस वीडियो पर आए हैं। ठीक है, काफी टाइम पहले मैंने इस वीडियो को इस चैनल पर अपलोड किया था। देखिए लगभग 1,38,000 व्यूज यदि आपके चैनल पर आ जाते हैं तो यहां पर भी आप अपने चैनल पर 4,000 वॉच अवर्स यानी 4,000 घंटा है मोनेटाइजेशन के लिए वो कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपका चैनल का वीडियोस है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जैसे 1,38,000 व्यूज पर देखिए वॉच टाइम यहां पे मुझे 7,000 घंटे से ज्यादा का मिला है, जबकि आपको कितना चाहिए? सिर्फ 4,000 घंटे। और यहां पे मुझे 1,38,000 पर भी कितना व्यूज वॉच टाइम मिल गया? 7,000 घंटे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1,00,000 व्यूज पर आप 4,000 घंटा पूरा नहीं कर सकते। यदि आपका थोड़ा लंबा वीडियो है, 10-12 मिनट का वीडियो है, तो लगभग 1,25,000 व्यूज पर भी आप 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहां पे आपको यह भी बता देता हूं, क्या 1,38,000 व्यूज पर आपके चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर्स ऐड होंगे कि नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए मैं स्क्रॉल डाउन करके देखिए मैं यहां पे बता देता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो पर 1,38,000 व्यूज थे और देखिए 1,200 सब्सक्राइबर्स इस अकेले वीडियो ने इस टेक धमाल यूट्यूब चैनल पर ऐड किए हैं। तो आप यहां पे पावर देख रहे हैं वायरल वीडियोस की पावर, यानी कि आपके चैनल पर 3 लाख व्यूज आना जरूरी नहीं है, आपके चैनल पर 3 लाख वीडियोस वाला जो व्यूज वाला वीडियोस है वो भी आपके चैनल पर वायरल होना जरूरी नहीं है। यदि आपके चैनल पर 1 या 1.25 लाख व्यूज भी आ जाते हैं किसी एक वीडियोस पर, और ऐसा हो जाता है जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी सीरीज चलती है कोई, जैसे एशिया कप हो गया या फिर अपना जो चैंपियनशिप हो गई वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें भी आ जाते हैं, वर्ल्ड कप में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, जब अच्छा कंपटीशन चलता है, अच्छी मैचेस, अच्छी टीम खेलती है, तो इतना व्यूज 2-3 दिन में आ जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होती है वीडियोस। ठीक है, तो सोचिए 1,00,000 व्यूज गलती से भी आपके चैनल पर जिस वीडियो में आ गए
दोस्तों वो अकेला वीडियो आपके चैनल पर न केवल एक या सब्सक्राइबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो पूरा कर देगा, बल्कि 4.5 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा कर देगा। अब देखिए 1,38,000 व्यूज पर डॉलर कितने बने आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, $43 बने हैं। यानी इस वीडियो की मदद से मुझे जो लगभग 4,000 रुपये का बेनिफिट हुआ है, 3,804,000 रुपये मैंने अकेले वीडियो से बनाए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो का इंप्रेशन, 1,38,000 व्यूज आए हैं तो इस पर इंप्रेशन कितना भेजा है दोस्तों, यहां पे आप इंप्रेशन भी देख सकते हैं, यानी कि लगभग 1.4 मिलियन इंप्रेशन यूट्यूब ने इस वीडियो पर भेजा है। यानी कि यह बात तो बिल्कुल तय है, यदि आपके चैनल पर यदि इंप्रेशन यूट्यूब नहीं भेजता है तो फिर आपका चैनल वायरल नहीं होगा। और इंप्रेशन कैसे भेजता है, इंप्रेशन भेजता है आपका थंबनेल कितना बेहतर है, आपके चैनल पर लाइक्स और जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आपके चैनल पर ऑडियंस एक्टिविटी करेगी उतना ही यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि आपने वीडियोस में कुछ खास बनाया है और ज्यादा लोगों तक भेजता है। तो कहने का सेंस ये है कि आप जो भी वीडियोस बना रहे हैं तो आप अपने ऑडियंस को एंगेज करके रखना है और उनको लाइक्स का, सब्सक्राइबर्स का और या फिर कमेंट्स का कुछ ना कुछ आपको लालच देना होगा, जिससे कि आपके चैनल पर जो क्लिक थ्रू रेट है वो बढ़े। अब मैं आपको इस वीडियो का क्लिक थ्रू रेट बता देता हूं दोस्तों, इस वीडियो का आप क्लिक थ्रू रेट देख सकते हैं 8% क्लिक थ्रू रेट है, यानी कि 10% से भी कम है। आप में से काफी सारे यूट्यूबर्स लगातार वीडियोस के अंदर बोलते हैं कि आपके चैनल पर 15% 20% 25% CTR होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो क्लिक थ्रू रेट है मात्र 8% है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 8% CTR पर भी ये वीडियो वायरल है और इस वीडियो ने 1,000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करके दिए और 4.5 घंटे का वॉच टाइम भी दिया है। दोस्तों ये बात 100% यहाँ पे झूठ हो जाती है कि आपके चैनल पर 20% CTR चाहिए नहीं। यदि आपके चैनल पर 10% 12% भी यदि CTR आ जाता है तो अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके चैनल पर व्यूज आ सकते हैं। आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, व्यूज यहाँ पे देख सकते हैं, CTR देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं एंगेजमेंट कितना जरूरी है वीडियो वायरल करने के लिए। काफी सारे लोगों को ऑडियंस रिटेंशन की दिक्कत आती है कि सर ऑडियंस रिटेंशन बताइए, हमारे चैनल पर वीडियोस का ऑडियंस रिटेंशन कितना हैंडल करें। तो दोस्तों देखिए इस चैनल पर 1,38,000 व्यूज इस वीडियो में है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, CTR 8% है। आप यहाँ पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन देख सकते हैं, ये वीडियो पता कितने मिनट का है, 20 मिनट का है, लेकिन ओनली 3 मिनट 11 सेकेंड तक लोगों ने देखा है, लेकिन फिर भी ये वीडियो वायरल है। समझ में आ रहा है, यानी कि लोगों ने मात्र 3 मिनट 11 सेकेंड इस वीडियो को देखा है, उसके बावजूद भी ये वायरल है। यानी कि आप कितना भी बड़ा वीडियोस बनाओ यदि आपके चैनल पर 3 से लेकर 4 मिनट यदि ऑडियंस रिटेंशन यदि आ जाता है तो प्रूफ आपके सामने, आपके चैनल पर आपका जो वीडियोस है वो वायरल हो सकता है। इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया है, जिससे कि आपको 100% भरोसा हो जाए। मैं आपको एक और वीडियोस दिखा देता हूं, एक और वीडियोस में आपको क्लियर एग्जांपल के साथ में दिखाता हूं। दोस्तों ये वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो का टाइटल क्रिकेट की वीडियोस कैसे बना ये है, एनालिटिक में इसका ओपन करके दिखा देता हूं। देखिए इस वीडियो पर जो व्यूज आए हैं वो लगभग 83,000 आए हैं, ठीक है। अब देखिए 83,000 व्यूज यानी कि 85,000 व्यूज के आसपास आ जाते हैं, तो देखिए वॉच टाइम लगभग आपके चैनल पर कंप्लीट हो जाता है। 83,000 व्यूज पर 3300 घंटा इस अकेले वीडियो ने यहाँ पे दे दिए हैं, यानी कि लगभग मोनेटाइज की कगार पर पहुंच चुका है। यदि 83,000 व्यूज आपके चैनल पर आ जाते हैं एक वीडियो से तो लगभग सब्सक्राइबर्स भी आपको 650 के आसपास मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम है ना, ये थोड़ा सा अलग अलग होता है, कभी कभी अच्छा वीडियो कम लेंथ का होता है उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, कभी कभी बड़ा वीडियो भी होता है तो उसमें कम सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने वीडियो कैसा बनाया है, तो सब्सक्राइबर्स वीडियो के अकॉर्डिंग वीडियो टू वीडियो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अर्निंग भी दिखा देता हूँ, 83,000 पर जो अर्निंग यहाँ पे मिली है वो लगभग $21 मिली है, यानी कि 8×2 = 1600 रुपये मुझे इस वीडियो के माध्यम से अर्न हुए हैं। तो दोस्तों ये है YouTube की पावर, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक एक वीडियोस की मदद से आप अपने चैनल को न केवल मोनेटाइज करवा सकते हैं बल्कि आप 5 से लेकर 10,000 रुपए पर वीडियो भी कमा सकते हैं, बस आपके चैनल पर व्यूज आना चाहिए।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी क्रिकेट के यूट्यूबर्स को मैं ये मोटिवेट करने के लिए आया हूं कि आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आप मेहनत करते हैं और एक सीरीज भी आपके चैनल पर चल जाती है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके चैनल पर आएगा, और जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके चैनल पर आ जाता है, 20-30,000-50,000 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर आ जाते हैं, तो फिर आपका कोई भी सीरीज चल रहा हो तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक की वजह से लगातार आपके चैनल पर व्यूअरशिप आती है, और जिससे आपकी मंथली का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होने लगता है आपके अपने चैनल पर। बाद में आप फेसबुक को भी ओपन कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी बना सकते हैं, कई और भी प्लेटफॉर्म है जिनको आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वो बड़ा सक्सेस होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी आपका डाउट है आपके चैनल से रिलेटेड, आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोनों को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आप मुझसे डायरेक्टली लाइव बात कर सकते हो, कोई भी डाउट है डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।